कांकेर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। वो 18 दिनों से नेताजी स्टेडियम पंखाजूर के सामने हड़ताल पर है और उनकी 6 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए, इनमें कलेक्टर दर्ग से वेतन, सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति, पेंशन और शासकीय सेवकों की तरह सुविधाएं अहम है। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन्हें कलेक्टर दर से वेतन देने का दावा किया था, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 4 साल बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। हमारी आंदोलन का 18 दिन है और हमारी 6 सूत्रीय मांग है। सबसे प्रमुख मांग हमारा कलेक्टर दर है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घोषणा पत्र में उन्होंने लिख के दिए कि मैं यदि सत्ता पे आऊँगा तो आपको कलेक्टर दर देके सम्मान करूँगा। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि आज विगत 4 वर्ष बीत चुके गए हैं, पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी हमें उनका वादा खिलाफी कर रहे हैं।